हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं 5th सितंबर है और 5th सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे काम किए, इसीलिए इस दिन को शिक्षक दिवस या फिर हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों, एक टीचर होना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि हमें एक स्टूडेंट को अपने लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने में मदद करनी पड़ती है। आज का वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे जैसे सारे टीचर्स को और सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने हम टीचर्स को इतना स्पेशल बनाया है। बच्चों, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे सारे टीचर्स को जिन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है कि मैं आप सबको ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि दो लोग ही होते हैं जिन्होंने एक्चुअली देश को बनाया है। सबसे पहले होते हैं हमारे सोल्जर्स, यानी कि सैनिक। जो सैनिक रहते हैं बच्चों, वो डे एंड नाइट देश की सेवा कर रहे रहते हैं। और टीचर्स जो रहते हैं बच्चों, वो सेकंड नंबर पे आते हैं, क्योंकि वो देश को बना रहे रहते हैं। मेरे जैसे हज़ारों शिक्षक जो हैं, वो आप जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं ताकि आप लोग अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू देश का नाम रोशन कर पाएँ। 11 ईयर्स के टीचिंग कैरियर में मैंने ये जाना है एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट की क्या वैल्यू होती है। आप सब तो सिर्फ एक टीचर से सीखते हैं, बट बिलीव मी, एक क्लास में जब 40 स्टूडेंट्स रहते हैं तो हम सारे 40 स्टूडेंट्स से सीखते हैं। आप सब की स्माइल्स, आप सब कैसा बिहेव करते हैं, हर स्टूडेंट का डील करने का नेचर अलग अलग होता है, और उस नेचर को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं और स्टूडेंट क्या सोच रहा है वो तुरंत बता देता है। तो बच्चों, आज के दिन आपको ना पढ़ाते हुए एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सबको मज़ा आएगा। तो बच्चों, होता उस स्टोरी में कुछ यूं है कि चार स्टूडेंट्स की ये कहानी है जो एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। होता ये है कि उन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम की बिल्कुल तैयारी नहीं की रहती। तो क्या होता है, उन्होंने एक प्लान बनाया। सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं, चारों स्टूडेंट्स मिलकर प्लान बनाते हैं। कोई अपनी ड्रेस फाड़ लेता है, कोई अपने ऊपर कीचड़ लगा देता है, और स्कूल जाके ये लोग झूठ बोलते हैं कि सर टायर जो था वो बस्ट हो गया, और टायर बस्ट होने के कारण हमारी हालत ऐसी हो गई। टीचर जो रहता है वो झूठ को समझ जाता है, ठीक है, बट वो रिएक्ट नहीं करता। वो उनको 7 दिन का टाइम दे देता है। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अरे हमने सर को बेवकूफ़ बना दिया, बट एक्चुअल में क्या रहता है, सर उन सबको समझ जाते हैं। एक हफ्ते बाद बोलते हैं कि तुम लोग का एग्ज़ाम होगा। तो जैसा कि सर डिसाइड करते हैं, एक हफ्ते बाद उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। एक हफ्ते बाद जब वो क्वेश्चन पेपर देते हैं तो चारों को अलग अलग बिठा देते हैं, और क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, जिसमें उसमें लिखा रहता है कि राइट योर नेम, तो वो लोग अपना नाम लिख देते हैं। अब 99 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि टायर बस्ट होने के इंसिडेंट को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि क्या हुआ, कौन सा टायर बस्ट हुआ, कहाँ पे हुआ, वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, सारे स्टूडेंट की स्टोरी अलग अलग हो जाती है। तो फाइनली वो स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं। जब वो सारे स्टूडेंट्स सर के सामने जाते हैं तो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। तो जैसा कि आप इस स्टोरी के मॉरल से समझ सकते हैं कि टीचर्स को बेवकूफ़ बना पाना इम्पॉसिबल है। आप कितने भी स्मार्ट हो जाएं, आप टीचर्स से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने ही आपको शिक्षित किया रहता है। तो आप सबके लिए इससे सीख है, ठीक है, कि आप कितने भी स्मार्ट हो जाएं, कितने भी ऊपर चले जाएं, अपने टीचर्स की हमेशा इज्जत करें। और जैसा कि यहाँ पर मैं ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, टीचर्स की इज्जत करना बिल्कुल भूल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी 95% बच्चे सिर्फ एक दिन के लिए टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि टीचर्स डे होता है। तो ऐसी रिस्पेक्ट सारे टीचर्स को नहीं चाहिए बच्चों। इस एजुकेशन चैनल को कंस्ट्रक्ट करने का मोटिव ही यही था कि मैं आप सबसे फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊँ और आप सबको ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 7 महीने से सारे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। एजुकेशन प्रोसेस जो डायरेक्ट हो पाती थी वो बिल्कुल स्टॉप हो गई है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी कुछ टाइम तक ऑनलाइन एजुकेशन के भरोसे ही ज़िंदा रहना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और वो अपनी पढ़ाई कर भी रहे हैं, बट ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि एक स्टूडेंट 6 घंटे स्कूल में टाइम देता था, कुछ घंटे ट्यूशंस में टाइम देता था, कुछ घंटे होमवर्क करता था, तो 7 to 8 hours या फिर 9 hours उसका स्टडी टाइम रहता था। बट आज के टाइम में ऑनलाइन क्लास उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 2 अटेंड करनी है। तो क्या होता है, ऑनलाइन क्लास 1 to 2 अटेंड करनी है, मतलब 40 मिनट्स की 2 क्लास, तो हार्डली वो टोटल 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं दे रहा है अपनी पढ़ाई को। तो एक अच्छे स्टूडेंट का भी एजुकेशन रेट डाउन हो रहा है।
तो आप सोचिए कि वीक स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। तो आपको एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब में, आपको उसका यूज़ करना है और बेनिफिट लेना है। जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ही मेहनत से तैयार होते हैं बच्चों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी वीडियो पे क्लिक करें तो उसको पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को 50% या 60% भी अगर देख लेते हैं तो उस वीडियो को बनाने का जो टारगेट रहता है वो बिल्कुल अचीव हो जाता है। और वो वीडियो आगे जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है बच्चों, उन तक पहुँचती है और वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के दिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी भर आप उन सबकी इज्जत कीजिए जिन्होंने आपको सिखाया है, जिन्होंने आपको बनाया है। मैं मिलूँगा अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, घर पे रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी मैथ्स की लेटेस्ट वीडियोज़ और ट्रिक्स आप तक पहुँच पाएँ।